हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के लिए दो अच्छी खबर है। एक है अमेरिकन सेमीकंडक्टर कंपनी माइक्रोन की तरफ से और दूसरी है ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन की तरफ से। जो अमेरिकन कंपनी है माइक्रोन, ये भारत में आने वाले दिनों में कई सेमीकंडक्टर असेंबली और पैकेजिंग प्लांट लगाने वाली है। और दूसरी कंपनी है ताइवान की फॉक्सकॉन, ये भारत में अपना निवेश और कर्मचारियों की संख्या डबल करने वाली है। इसकी जानकारी दी है फॉक्सकॉन के इंडिया रिप्रेजेंटेटिव विली ने। उन्होंने बताया कि उनकी कंपनी अगले एक साल में भारत में अपना निवेश डबल करेगी और कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ाएगी। फॉक्सकॉन दुनिया की सबसे बड़ी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग फर्म है और एप्पल की भी बहुत बड़ी सप्लायर है। अभी तक फॉक्सकॉन के लिए चीन मैन्युफैक्चरिंग का हब रहा, लेकिन अब ताइवान कंपनी भारत के ऊपर फोकस कर रही है। ताइवान कंपनी तमिलनाडु में पहले से ही एक आईफोन फैक्ट्री चला रही है, जिसमें करीब 40,000 लोग काम कर रहे हैं। फॉक्सकॉन कर्नाटक में भी अपना प्लांट लगा रही है और ये आईफोन और चिप बनाने के लिए $600 मिलियन का निवेश करेगी और दो प्लांट भी लगाएगी। फॉक्सकॉन के चेयरमैन लिंग यू ने बताया कि चीन को इकोसिस्टम बनाने के लिए 30 साल लगे थे, लेकिन भारत चंद सालों में इस स्तर को पूरा कर लेगा। और उन्होंने बोला कि भारत मैन्युफैक्चरिंग का भी फ्यूचर है। अब अमेरिकन कंपनी है जो माइक्रोन, इसने इस साल जुलाई में इंडिया सेमीकॉन कार्यक्रम के दौरान अपना पहला निवेश करने की बात कही थी और इस कंपनी ने भारत में एक सेमीकंडक्टर असेंबली प्लांट लगाने के लिए $800 मिलियन का निवेश करने का ऐलान किया था। कंपनी का यह प्लांट गुजरात के सानंद में लगने वाला है। इस कंपनी की शुरुआत होने के बाद माइक्रोन कंपनी और भी प्लांट भारत में लगाएगी। इससे काफ़ी रोज़गार बढ़ेगा और लोगों की मदद मिलेगी। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना। थैंक यू।